दोस्तों आज का वेदर जैसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट प्लीजेंट वेदर है, मतलब बहुत ही अच्छा वेदर है आज का। सो अभी मैं निकल रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट एंड सिंपल टूर करने के लिए। थोड़ा बहुत मेरा काम है जिसके लिए मेरे को शियालदा जाना होगा, वो काम खत्म करके फिर मैं घूमने के लिए निकल रहा हूँ। या मैं और पीयू एक्चुअली निकल रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। सो मैं कैमरा भी लेके जाऊंगा, एक्चुअली व्लॉग भी बनाना है, इसके साथ फोटोग्राफी भी करना है। इतना दिन के बाद मैं DSLR खरीदा, सो अच्छा वाला DP तो डालना ही है और व्लॉग तो बनाना ही है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, योर यूट्यूब चैनल बॉम्बाई से। सो आज फाइनली हम लोगों को टाइम मिल गया है घूमने के लिए, निकलने के लिए। सो एक्चुअली हम लोग आज निकले हैं विक्टोरिया के लिए, और अभी जहाँ से हम लोग जा रहे हैं ये वाला खाई के लिए बिरला प्लैनेटोरियम, जो इंडिया का सबसे बड़ा प्लैनेटोरियम है। और यहाँ का तो बहुत सारा हिस्ट्री मेरे साथ है, जैसे एक्रोपोलिस का हिस्ट्री यू के साथ है, भाई यहाँ का भी मेरे साथ बहुत कुछ है। एक्चुअली मैं अपना एक्स के साथ बहुत बार यहाँ पे आता था, लेकिन अभी खैर अलग है। लेकिन हम दोनों को भी इतना अंडरस्टैंडिंग है कि हम दोनों को सब कुछ पता है। सो बारिश हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा अंडमान से होके पीछे होके आया है, मतलब वहाँ पर भी बारिश, यहाँ पर भी बारिश कंटिन्यू हो गई। अभी रास्ते में हम लोग जब आ रहे थे पूरा धूप था, जैसे ही हम लोग घूमने के लिए निकले बस बारिश शुरू, मतलब अंडमान से पीछा नहीं छोड़ा बारिश हुआ। सब थोड़ी अच्छा लगता है जब घूमने के लिए निकले, अच्छा प्रेजेंट वेदर था, थोड़ा सा हल्का धूप था, हल्का सा हवा चल रहा था, उसके अंदर अगर बारिश होता है तो थोड़ी अच्छा लगता है। कौन होते एकदम घटिया लगता है, सच्ची में बोलने से एकदम घटिया लगता है। फिलहाल चलो, अगर बारिश भी होता है तब भी घूमना मना है, मतलब घूमना मना है बोल रहा हूँ, रुकना मना है। हाँ घूमना जरूरी है, रुकना मना है। फाइनली हम दोनों अंदर आ चुके हैं, लेकिन पूरा बीच के बाहर खतरनाक बारिश हुआ, जैसा कि मैंने बोला कि अंडमान से बारिश हमको पीछा नहीं छोड़ा, पूरा बीच गए थे हम दोनों, क्यों भी यहाँ पे घूम के कराया पूरा बीच गए, लेकिन अभी फिलहाल अंदर घूम गए। मालूम पड़ता है कि वो टाइम में ब्रिटिश कितना एडवांस था, उन्होंने घड़ी बिठाया हुआ जिसके ऊपर भी एकदम पौधे घड़ी बिठाया हुआ, जो वो टाइम में वो लोग बिठा रहे इतना सुंदर लोग आर्किटेक्चर है ब्रिटिश का। तो वहाँ पे अभी ये नया चीज चालू किया है प्रोजेक्टर शो, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है प्रोजेक्टर शो। एक्चुअली बाहर में एक जगह है जहाँ पे प्रोजेक्टर पहले चलता था ब्रिटिश टाइम में, अभी चलता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन पहले उसके ऊपर तक एक फ्लोर में भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन वो भी अभी बंद हो गया। मैं बचपन में दिखा था कि यहाँ पे हम लोग जा सकते थे, मेरे पर बचपन में गया भी था यहाँ पे, लेकिन अभी फिलहाल बंद हो गया है, शायद से कुछ मेंटेनेंस का इश्यू हो सकता है शायद से।
अभी सेकंड फ्लोर में जा रहे हैं एक्चुअली भी हम लोग मेजर बचपन में आया था ऐसा होता था अंदर से रास्ता था अभी ये एग्जिट गेट को बाहर से एक रास्ता बना दिया जिससे हम लोग जा सकते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह मेरे को लगता है अभी भी बंद है पूरा खुला ऐसा नहीं है। तो जब भी हम लोग अंदर आ रहे थे तभी कितना बारिश था, अभी जैसे ही घूमना कंप्लीट हो गया देखो पूरा सूख गया है और धूप भी निकल गया, हम भी सूख गए, पूरा कपड़ा वगैरह सूख गया, थोड़ा सा भीगा भीगा है तो भी सूख जाएगा लेकिन अभी बारिश में भीगा तो बुखार अगर आ जाएगा तो हो गया। तो टिकट भी बना लिया हम लोगों ने, ऐसा नहीं है लेकिन टिकट जो बना है वो बहुत दिन के बाद का टिकट है, प्रॉब्लम नहीं है, अगर बुखार भी आएगा तो दवाई तो वैसे भी खा लेंगे कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये रहा D42, तो ये बेसिकली हम लोग का कोलकाता का अभी बोल सकते हो मतलब एक पॉलिश्ड बिल्डिंग है कोलकाता का D42, कम से कम इसका माला जो है 56 कुछ है इसका, इसका नाम जो है D42 और ये भी पूरा एकदम अपोजिट में है, मतलब विक्टोरिया आओगे तो वो दिखाई देगा, विक्टोरिया का फुल एक वीडियो में लेके देता हूँ आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर। सही है यहाँ पे लेकिन एक चीज का मेरे को बहुत ही खराब लगा, एक्चुअली हिस्टोरिकल प्लेस है, सो हिस्टोरिकल प्लेस है मतलब यहाँ पे गाइड सर्विस होना चाहिए, तो गाइड सर्विस होने से बहुत ही अच्छा होता है। पहले बचपन में जब मैं आता था यहाँ पे मतलब 2-3 बार आया बचपन में, बेसिकली मम्मी पापा के साथ या भैया के साथ या तो मामा नानी के साथ में आया था, वो टाइम यहाँ पे गाइड सर्विस था के साथ। नहीं गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी मैं नहीं आया यहाँ पे, तो एकदम भी नहीं आया, तुम्हारे साथ ही आया फर्स्ट टाइम में यहाँ पे, गर्लफ्रेंड के साथ कभी मैं विक्टोरिया नहीं आया, हिस्टोरिकल प्लेस ये सब में मेरे को आना नहीं चाहिए, ये सब मैं गर्लफ्रेंड के साथ। सो जब भी मैं यहाँ पे आया था बचपन में यहाँ पे गाइड सर्विस था लेकिन अभी मेरे को दिखाई नहीं देता यहाँ पे, वो टाइम में था। एक्चुअली क्या होता है हिस्टोरिकल प्लेस में गाइड सर्विस रहने से अच्छा होता है, अच्छा इसीलिए होता है कि हर एक पॉइंट का नॉलेज रहता है, जैसे हम लोग अंडमान में जब रहते हैं वहाँ पे सिल्वर जेल में गाइड सर्विस रहता है, उसमें क्या होता है कि हर एक पॉइंट का नॉलेज रहता है जो घूमने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सेल्फ आपको घूमना पड़ता है,
तो थोड़ा बहुत नॉलेज का इशू हो जाता है, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है। एक चीज मेरे को अच्छा लगा वो एआई वाला, तुम वीडियो करके निकाला एआई वाला कि आप उसके सामने खड़े हो गए, फिर आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद उसी हिसाब से आपको फेस जो फ्रीडम फाइटर के साथ मिलता है उसी हिसाब से उसमें तस्वीर आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन भी आएगा। सो ये चीज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है, थोड़ा इनोवेटिव। लेकिन मेरा गलत आया, इसका गलत आया, ये फीमेल खड़ा हुआ लेकिन दिया वहां पे मेल। सो थोड़ा सा 19-20 है, लेकिन चलो एक तो नया टेक्नोलॉजी कुछ दिया तो अच्छा है बहुत। यू अच्छा खासा फोटो खींचता है डीएसएलआर में, आखिर लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत उसको सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। दिया ही नहीं मेरे हाथ में, मैं दिया ना अभी तुमको, अभी दिया, हाँ, अभी दिया। अच्छा जगह जाऊंगा तभी तो तुमको दूंगा ना फोटो खींचने के लिए, उससे पहले मैं थोड़ी दूंगा तुमको, अभी से मैं तुमको दे दूंगा जो तुमको अभी सीखना है, फोटो खींचना, वीडियो करना, फोटो खींचना, ये सब कुछ सीखने के लिए मैं आईफोन रख दिया। तुम अगर ब्लॉगिंग बनाना ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो उससे सीखो ब्लॉगिंग करना, मैं जैसे सीखा ऐसे सीखो। अभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं प्रो लेवल पर ब्लॉगिंग करता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, एंटरटेन कर पाता हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा ही मैं बोलूंगा। क्योंकि सीखने का कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि तुम सीख गए पूरा, सीखने का कभी खत्म नहीं होता, तुम हर वक्त सीख सकते हो। विजिट हो गया है कंप्लीट, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से डायरेक्टली, क्योंकि एक्चुअली हम लोग एंट्री हुए थे पहला जो फर्स्ट गेट है मेन गेट, उस गेट से अभी जाएंगे हम लोग अंदर से पार्क के रास्ते से जाएंगे। वो एक्चुअली क्या होता है, इस पार और उस पार हम लोगों को जाना है, तो ये रास्ते से जाना ही अच्छा होता है, शॉर्टकट होता है एक्चुअली। तो प्लीज मेरे को याद दिलाया, मैं भूल गया था ये वाला रास्ता कहाँ से, ये भी भूल गया, इसको भी मालूम नहीं है अभी कहाँ से, मैं पूछा अभी चुपचाप से देख रहा है कहाँ से। सो एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं उसी टाइम ही बारिश शुरू हो जाता है, फिर से शेड बूंद फिर से अंदर जाओ चुप जाओ, अरे क्यों होता है ऐसा, तो वेदर फ्रेश है।